एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अर्थात अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो और रास्ता कठिन हो तो भी मंजिल मिल ही जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है बिहार की प्रथम महिला आईपीएस मंजरी जरूहर की। आईपीएस मंजरी जरूहर एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी है जिसे घर से लेकर कार्य क्षेत्र तक हर जगह खुद को साबित करना पड़ा। काबिल होने के बावजूद इन्हें अलग तरह की परीक्षाएं देनी पड़ी और पहली पोस्टिंग के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। आज हम आपको इस वीडियो में रिटायर महिला आईपीएस अधिकारी मंजरी जरूहर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से बताएंगे, जिसके खुलासे उन्होंने खुद अपनी किताब मैडम सर में की है। मंजरी जरूहर बिहार के काफी सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके परिवार में कई आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, लेकिन उनके घर में उनकी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा फोकस इस बात पे रखा गया कि वह आगे जाकर एक अच्छी गृहिणी बन सके। 19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उनके पति एक आईएफएस अधिकारी थे। ससुराल में मंजरी को काफी कुछ सहना पड़ा। उनके पति भी उन पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। पति से अलग होने के बाद मंजरी के घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने का फैसला लिया। मंजरी पटना वुमेन्स कॉलेज से इंग्लिश में ऑनर्स कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और साथ में ही सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। 1976 में यूपीएससी परीक्षा पास कर वह बिहार की पहली और देश की पांचवी महिला आईपीएस अधिकारी बन गई। आमतौर पर आईपीएस अधिकारी बनने के बाद पहली पोस्टिंग एएसपी के तौर पर मिलती है। मंजरी को सीआईडी में एएसपी बना दिया गया था। वह डेस्क जॉब थी और मंजरी फील्ड पोस्टिंग चाहती थी। फिर उन्होंने अपनी एक सहेली के पिता से बात की, जो उनके सीनियर थे और जल्द ही रिटायर होने वाले थे। उन्होंने मंजरी की फाइल आगे बढ़ाई और आखिरकार उन्हें सरकारी नौकरी में खुद को साबित करने का अवसर मिला। फिर उन्होंने अपने बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश जरूहर से शादी कर ली थी।